गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, इसके पहले वाले क्लास में, पहले वाले लेक्चर में हमने चैप्टर वन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को देखा था। आज हम लोग चैप्टर टू से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि बहुत बहुत और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से, ठीक है? तो यहां क्वेश्चन नंबर 1 to 5 दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। एसआई यूनिट पूछ रहा है। अब वर्क के बदले में हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और क्यू रहने देते हैं। फोर्स जो है उसका एसआई यूनिट न्यूटन, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि मीटर, और नीचे चार्ज कूलम्ब है यानी कि ओवरऑल आ गया न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। अब ढूंढते हैं इसमें न्यूटन मीटर पर कूलम्ब कहां है। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। तो पहला का वो सॉल्व हो गया। दूसरा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज सिमिलर टू। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और वोल्टेज के बदले में 1 रख दीजिए। टोटल मल्टीप्लाई करने पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 आ गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है, तो और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। यहां वन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट किया जा रहा है जब वोल्टेज कितना हो, 1 वोल्ट हो। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ढूंढ लेते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट, वन फराड इज इक्वल टू, ये फराड जो होता है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी। क्यू यानी कि चार्ज यानी कि ऐसा यूनिट कूलम्ब, और वोल्ट, वोल्ट है यहां पर, यानी कि वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट करें तो कूलम्ब पर वोल्ट। ढूंढते हैं कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब पर वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। देखिए बाबू, किसी भी चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है 1/2 सी वी स्क्वायर और दूसरा होता है क्यू स्क्वायर बाई 2 सी। यहां पर सी क्या है, कैपेसिटेंस है, यहां पर भी सी जो है कैपेसिटेंस है, यहां पर भी क्या है, वोल्टेज है, और यहां पर क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 1/2 सी वी स्क्वायर। क्लियर हुआ? अगर आपको बाय द वे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। मिटाएं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 to 10, सॉल्व करें इसे, फिर से वीडियो पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि वह सरफेस जिसके हर एक पॉइंट, हर एक रीजन पर पोटेंशियल इक्वल हो। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस है, तो क्या फर्क पड़ता है, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होंगे वो तो इक्वल होंगे ना। तो एक्स वाई पर आप निकालो, एक्स जेड पर निकालो या वाई जेड पर निकालो, सब जगह पर पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो
इक्विपोटेंशियल कौन से एक्सिस के अलोंग होगा, एनीवेयर कहीं भी आप लिख सकते हैं, किसी के अलोंग हो सकता है, वाई जेड के भी हो सकता है, एक्स जेड के भी हो सकता है, एक्स वाई के भी हो सकता है, सब पर भी हो सकता है, सब पर ही होगा, सबके अलोंग होगा, कहीं पर भी आप लिखें सब जगह पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। ये जब चैप्टर आप पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, या कोई एक ऐसा चार्ज कंडक्टर जो आइसोलेटेड हो, आइसोलेट करके रखा गया हो, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो निकालने का फॉर्मूला ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर फॉर रेडियस ऑफ गिवन स्फेरिकल कंडक्टर। तो यहां पर अर्थ है, तो यहां पर रेडियस किसके लिए यूज होगा? अर्थ के लिए यूज होगा, ठीक है ना। उसके बाद है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, फिर वही कहानी शुरू कि वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो W का यूनिट जूल और Q का यूनिट कूलम्ब, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम्ब। अब ढूंढते हैं, 1 जूल नहीं होगा, 1 जूल पर कूलम्ब, 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, 1 जूल पर 1 कूलम्ब लिख दीजिए, या 1 जूल पर कूलम्ब लिखिए, या फिर 1 यहां से हटा दें तो जूल पर कूलम्ब भी लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता था, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो यहां पे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट होगा बाबू? एनर्जी का यूनिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, ए से बी तक इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है, यानी कि कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में जुड़ा हुआ रहे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/C1 + 1/C2, लेकिन वही पैरेलल में अगर जुड़ा हुआ रहे तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, C1 + C2 कर देंगे, इसमें जितने कैपेसिटेंस और होंगे सबको जोड़ देंगे हम। ये तो सीरीज में दिख रहा है, तो सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/C1 + 1/C2। तो 1/C1 के बदले में C है, और यहां C2 के बदले में भी क्या है? C है, तो ये हो जाएगा 2/C। लास्ट में पलट दीजिए, क्यों? क्योंकि हमको मिला है 1/C capacitance in series = 2/C, बट हमें चाहिए क्या? कैपेसिटेंस इन सीरीज चाहिए, तो इसको हम चेंज कर लेंगे, C/2 कर देंगे। तो यहां पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, C/2। वहीं पैरेलल में अगर जुड़ा हुआ रहता, दो से अधिक अगर कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़े हुए रहते, दो या दो से अधिक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ठीक है। चलिए मिटाएं इसे हम, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मिटा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है 11 to 15, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करें और बनाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट बताए हम क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां से कुछ दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट पी, जो कि क्यू से आर डिस्टेंस पर है। तो इसका जब पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ/R। देखते हैं इसमें KQ/R, K के बदले में आप चाहें तो रख सकते हैं, K का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 πε₀, ये भी रख सकते हैं। तो यहां K के फॉर्म में है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है हमको, तो ये ऑप्शन सही होगा KQ/R। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर एक्स मान ले तो dx मान लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम dv/dx, अगर स्मॉल चेंज है तो dv लिख देंगे, dv/ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर सोर्स से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जितना आगे बढ़ेंगे
तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितना का चेंजिंग आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद एक क्वेश्चन ऑफ 13 कि विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में बाबू वोल्टेज डिक्रीज होता है, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसीलिए लगाया जाता है ताकि वोल्टेज को डिक्रीज कर सके वो। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल और वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी क्या हो गया जूल पर मीटर क्यूब। देखते हैं जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब ऑप्शन नंबर सी, जूल पर मीटर क्यूब। अब क्वेश्चन नंबर 15 आता है, ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल टाइप है। द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, द कैपेसिटेंस विल बी, मतलब एनर्जी दिया हुआ है कितना 1 जूल का एनर्जी दिया हुआ है, वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट है, ठीक है। मतलब निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। अब देखिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सो बिटा रहे हैं हम, अब देखिए कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिटा रहे हैं इसे हम, इसे मिटा देते हैं, क्वेश्चन बनाने हैं इसे थोड़ा साफ करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट दिया हुआ है, एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ कैपेसिटेंस निकालना है। तो फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/2 सीवी स्क्वायर, क्रॉस गुना कीजिए 2 में U से, 2U और बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू C। अब U का वैल्यू रख दीजिए कितना 1 जूल, वोल्टेज का वैल्यू रखिए 100, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैसे रखना है 2U है ना, तो 2 × 1 और बाय 100 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/10⁴, ऊपर जब ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ फराड। कैपेसिटेंस है तो फराड यूनिट हो जाएगा, देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है कौन सा, q² / 2c। तो चार्ज के टर्म में होता है या वोल्टेज के टर्म में होता है, तो चूंकि इस क्वेश्चन में वोल्टेज दिया हुआ था तो वोल्टेज के टर्म वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 के बाद, मिटाएं से हम लोग। हाँ तो बच्चों ये रहे क्वेश्चन आज के, क्वेश्चन नंबर 16 to 19 सॉल्व करते हैं, पॉज करें और सॉल्व करें। जब भी आप लोग ये क्वेश्चन जो मैं बना रहा हूं ना, उसको जब क्वेश्चन आपको मिल जाए तो कम से कम पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आपसे कितना क्वेश्चन बन जा रहा है, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, रिज्यूम कीजिएगा और फिर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और आंसर मिलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंशियल एट इट्स ऑन लोकेशन। देखिए बाबू पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। तो जब अपने ही लोकेशन पर कैलकुलेट करना हो तो R का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा KQ/0। किसी भी टर्म को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। देखिए यहां पर अगर एक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज, इसके पहले वाले चैप्टर में डाइपोल की चर्चा हो चुकी है, दोनों को आप मिला दें, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी को आप 2a मान लीजिए। अब इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहां पे डाइपोल निकालने हैं, तो ये जो निकाला गया ये एक्सियल हो गया, और यहां पर फॉर्मूला होगा KP/R². P का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल के टर्म में होगा, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग K × Q × 2a और बाई कितना हो गया R² हो गया। यहां पर आप P वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो KP/R² हो गया, ठीक है।
इसमें देख लेंगे कि वो है कि नहीं, तो हमको निकालना क्या, इक्विटोरियल पे निकालना है। अब समझिए एक चीज, फिर से एक डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। अगर डाइपोल से बहुत दूर कोई पॉइंट है, ये डाइपोल से बहुत दूर पॉइंट है, पता नहीं कहां पे है, वहां पे जब पोटेंशियल आप कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला होता है केपी कॉस थीटा और बाई कितना, आर स्क्वायर। केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इक्विटोरियल पे निकालें, मिड पॉइंट बना लीजिए, ऐसे मिला दिए इस पॉइंट को ऐसे और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिए, तो इक्विटोरियल पर, तो इक्विटोरियल पर अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो यहां पर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है ना, पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों होता है जीरो, इसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर चैप्टर टू में देख लेंगे, इसका लेक्चर जो है अपलोड किया गया है, डिटेल में अपलोड किया गया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो भी बराबर जीरो कहां है, ये वाला इक्विटोरियल पर जीरो होता है, बहुत दूर हो तो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, अगर एक्सियल पर हो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हो तो वहां पर होगा केपी बाई आर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, फिल इन द ब्लैंक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर सोर्स है चार्ज का, फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है। अब देखिए, अब ए का जो पोटेंशियल होगा बी के कंपेयर में ज्यादा होगा, यानी कि जितना आगे बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में जितना बढ़ेंगे उतना क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा और यहां पर आंसर होगा डिक्रीज्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है कि टू पॉइंट चार्जेस ऑफ प्लस 10 माइक्रो कूलम, तो Q1 दिया हुआ है प्लस 10 माइक्रो कूलम, Q2 दिया हुआ है माइनस 10 माइक्रो कूलम, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 cm, डिस्टेंस दिया हुआ है 40 cm, यानी कि मीटर में चेंज करें तो 0.4 मीटर इन एयर, देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी। अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला देखे हैं, 1/2 सी वी स्क्वायर, दूसरा क्यू स्क्वायर बाई 2c, और तीसरा होता है के q1 q2 और बाई r। ये वाला अब गेस हो गया होगा कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये वाला यूज करेंगे। k का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q1 का वैल्यू साइन के साथ रखेंगे प्लस में, और q2 का वैल्यू माइनस में रखेंगे, तो ये माइनस आप इधर कर दे, माइनस इधर कर देते हैं, और बाई कितना है, आर है, तार कितना है 0.4 मीटर है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले माइक्रो को किसमें कन्वर्ट करना है, कूलम में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं माइक्रो हटा के यहां कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶, और इसको भी कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दिए। अब हो गया -9, ये पॉइंट हटाइए, और यहां पर हो गया × 10, 9 में 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस तो पहले से है, 2.25 आएगा। अब सॉल्व करते हैं, 9 × 10 = 11, 12 × 12 = 12 खत्म, तो कितना बच गया, 12 × 10⁻⁰ बच गया, यानी कि आ गया -2.25, किसी का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता, इतना जूल आंसर हो गया। अब देखते हैं कहां पे है बाबू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है, -2.25 जूल। मिटाई से हम चलिए, गुड, ये रहे क्वेश्चन बच्चों 20 से लेकर 23 तक, ठीक है, सॉल्व करें। अच्छा एक बात हम मिलाना कि इसमें मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो न्यूमेरिकल ज्यादा मिल रहा है, यानी कि इस चैप्टर से मैक्सिमम क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। किसी किसी बोर्ड में आप देखोगे कि
हर ईयर किसी एक स्पेशल चैप्टर को उठाता है और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देता है बनाने के लिए, ये ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। वैसे मैं काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ताकि आप लोगों का क्लियर हो सके, टाइम कम है, नहीं तो इसको और ज्यादा डीपली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती, लेकिन फिलहाल उतना पढ़ लीजिए जितना से आप पास कर जाए, आपका एग्जाम निकल जाए बस। चलिए पॉज करें और बनाए इसे, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, मतलब 20 नंबर क्वेश्चन। कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अभी जस्ट हमने बताया था आप लोगों को कि मान लीजिए कि डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज और यहां पर है एक प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का दूरी 2a है, यह मिड पॉइंट है। इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट p है, बहुत दूर है। वहां पर क्या करना है, डाइपोल पता करना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा। वहां पर क्या करना है, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि किसके प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां पर फॉर्मूला यूज होता है केपी बाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर है ना, यानी कि 1/r² ढूंढिए, 1/r² यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1/r². क्वेश्चन नंबर 21, थ्री कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज की कहानी आ गई, तीन कैपेसिटर हैं, तीनों को सीरीज में जोड़े गए हैं, 1, 2 और 3, तीनों को सीरीज में जोड़ दिए गए हैं, तीनों का कैपेसिटी सी है। तो सीरीज में जोड़ने का क्या तरीका होता है कि कैपेसिटेंस इन सीरीज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 और प्लस 1/C3, यानी कि 1/C प्लस 1/C और प्लस 1/C। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 3/C, 1/ कैपेसिटेंस इन सीरीज। अब इसको पलटेंगे ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू C/3। अब देखते हैं C/3 कहां है, C/3 ऑप्शन नंबर बी, आसान है, कोई ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। इसमें अब देखिए ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है ना, पैरेलल में, तो दोनों को जोड़ते हैं, इसको इसको। अब इसको इसको जब जोड़ेंगे तो ये एक साथ बन जाएगा और फिर एक हमारे पास रह जाएगा। तो पैरेलल में जुड़ा हो तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब ये हो गया 5 माइक्रोफराड और ये कितना हो गया, 4 माइक्रोफराड। सॉल्व करते हैं सीरीज की तरह रख करके, 1/ कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो 1/5 प्लस 1/4, जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5 9, 9/20। लास्ट में क्या करते हैं, पलट देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 20/9 फराड। देखते हैं 20/9 कहां है, ऑप्शन नंबर 1, 20/9 आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कैपेसिटर आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड मोर। देखिए कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम आएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर पाएगा और किसी अप्लायंसेस को मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा वेयर अप्लायंसेस नीड मोर करंट। जब अप्लायंसेस को अधिक करंट की जरूरत होती है तब वहां पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए गुड, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके बाद का 23 के बाद मिटाई से हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 to 27। पॉज करें और बनाएं। देखिए बाबू, समझाना बताना और क्वेश्चन प्रोवाइड करना मेरा काम है, लेकिन समझना लिखना और क्वेश्चन का सही सही आंसर एग्जाम में जाकर के दे देना ये आपकी जिम्मेवारी है। बाय द वे इसमें से तो क्वेश्चंस मैक्सिमम आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में, तो अगर उसमें से आप नहीं लिख पाते हैं तो फिर ये तो छोड़िए बात को, कोई नहीं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने बताया था आज ही के लेक्चर में, अर्थ का कैपेसिटेंस हमने निकाला था, वहीं पर हमने बताया था आपको कि
आइसोलेटेड बॉडी का भी कैपेसिटेंस जो होता है वो 4πε0R होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सम ऑफ चार्जेस ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, चार्ज कैपेसिटर। सपोज कीजिए एक कैपेसिटर है जिसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतना ही निगेटिव चार्जेस भी होंगे, तो ओवरऑल कितना चार्ज हो गया? जीरो। तो जीरो वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कैपेसिटर, इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिराइव कर पाना शायद अभी पॉसिबल नहीं है, उतनी जगह भी नहीं है, और डेरिवेशन अगर देखना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर 12th क्लास का चैप्टर 2 ओपन कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद 27, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट निकालना है। अब देखिए ए से चल रहे हैं तो यहां से बाबू, यहां से यहां तक ऐसे जो घूम करके आया है वो किसमें है? सीरीज में है, तो दोनों को एक साथ करते हैं सीरीज में। तो सीरीज के लिए एक साथ करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 by कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो 1 by C1 और 1 by C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 by 4 आप +1 by 4 यानी कि 2 by 4 लास्ट में चेंज कर दीजिए, यानी कि 4 by 2 हमारे पास आ गया 2। अब इस फिगर को रिकंस्ट्रक्ट अगर करें हम, तो ये हो गया आपका नीचे वाला फिगर, ये ऐसे और यहां पर एक ऐसे दिया हुआ है, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो कुछ इस टाइप से फाइनल मिल गया। अभी ये कितना आ गया बाबू आपको? 2। ये कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और ये जो नीचे वाले हैं वो कितने दिए हुए हैं? ये 4 दिए हुए हैं, ये भी 4 दिए हुए हैं। अभी ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल में हैं, तो दोनों को एक साथ करते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब फिगर कुछ इस टाइप का हो गया, ये जो है बीच वाला, ये 2 और 2 मिलकर कितना बना दे? 4 4 और 4। अब तीनों किसमें हो गया? सीरीज में हो गया। फिर से वैल्यू पुट कीजिए, सीरीज का 1 by C1, तो 1 by 4 1 by 4 1 by 4 यानी कि 3 by 4, इट मींस कि 4 by 3 माइक्रोफराड। 4 by 3 ढूंढे, ऑप्शन नंबर बी 4 by 3 माइक्रोफराड। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें, लास्ट 3 और क्वेश्चन बच गए हैं उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू? मिटाएं से। हाँ तो बच्चों आज के लिए लास्ट 3 क्वेश्चन, ठीक है, नियम के अनुसार से जैसा कि हम करते हैं, इस तीनों में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, फिर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सपोज कीजिए बाबू कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना, यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। सपोज कीजिए इसका वोल्टेज V1 है और इसका V2 है, ठीक है ना। तो ए से बी या बी से अगर लाना हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल बाय चार्ज, चार्ज पार्टिकल को ए से बी या बी से लेकर के आते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला V2 - V1 / Q। V2 किसके बराबर होगा? V1 के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो V2 - V1 यानी लिख सकते हैं V1 - V1 / Q इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया टोटल टर्म, यानी कि इसका ऑप्शन होगा 0। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को मूव कराने के लिए किसी वर्क की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है बाबू कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफराड कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, मतलब 64 छोटे छोटे ड्रॉप जिसमें से एक का 5 माइक्रोफराड कैपेसिटी था, यानी कि कैपेसिटेंस था, वैसे मिल करके वैसे 64 कंबाइन हुए और एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया, तो बड़े वाले ड्रॉप का क्या निकालना है आपको? कैपेसिटी निकालना है, इनकी कैपेसिटेंस निकालना है। तो लिख सकते हैं बड़े वाले का वॉल्यूम यानी कि 4 by 3 πr³ बराबर 64, छोटे वाले का वॉल्यूम बराबर होगा ना, अब 4 by 3 4 by 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास हो गया R³ इज इक्वल टू 64 R³, तो R इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ
64 r³, तो 64 का क्यूब हो जाएगा 4, क्यूब रूट हो जाएगा 4 और r³ का क्यूब रूट हो जाएगा r, यानी कि बड़ा वाला जो r आया वो छोटे वाले का 4 गुना था, यानी कि बड़े वाले का जो कैपेसिटी होगा वो छोटे वाले का 4 गुना होगा। तो बड़े छोटे वाले का कैपेसिटी कितना था, 5, तो अगर बाबू r इज इक्वल टू 4 r है तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस छोटे वाले के कैपेसिटेंस से 4 गुना होगा, यानी कि 4 और इनटू कितना हो जाएगा, छोटे वाले के कितना 5 था, यानी कि आंसर हो जाएगा 20 माइक्रोफराड। सो देखिए ये हो गया 20 माइक्रोफराड, ये वाला आंसर हो गया। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन 30 नंबर आप खुद सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर, फिर हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है। चलिए रिवीजन करते रहिएगा घर पे, अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्टिव जितने हैं उतनी तो तैयारी हो जा रही है ना आप लोगों की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, थर्ड चैप्टर के साथ में, थर्ड चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ में, ठीक है। थैंक यू, तब तक खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिएगा ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आ सके। थैंक यू सो मच बाबू।